नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ते। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी के प्रीवियस 2016 तो बाद जिन्हें भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, ज्योग्राफी के जोड़े भी क्वेश्चन बने ने वह सारे क्वेश्चन इनकलूड किए गए हैं। तो अगर हम आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा आप क्वेश्चन से आ जाने। क्वेश्चन नंबर एक की कहता है, भारत का जंगलात खोज यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्था किस शहर में है? तो देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, भारत का जंगली जीवन खोज यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कितने किस शहर में है? तो यह भी देहरादून में ही है। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, भारत का राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क यानी नैशनल जूलॉजिकल पार्क संस्था यह किस शहर में है? तो नई दिल्ली में भारत का जूलॉजिकल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, राष्ट्रीय गंगा नदी अथॉरिटी संस्था किस शहर में है? मतलब कि इसका जो हैडक्वाटर होंगे राष्ट्रीय गंगा नदी अथॉरिटी का, वह कितने है? तो यह भी जो न्यू दिल्ली में ही सिचुएटड है। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, कौमी शेर संभाल यानी नैशनल टाइगर कंजर्वेशन संस्था किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में नैशनल टाइगर कंजर्वेशन सिचुएटड है। तो 1973 ईस्वी में ही स्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी संस्था किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में इसका इंस्टीट्यूट है। दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉरमेशन तुहाडे लई, जे तुसी पॉलिटिक कंप्यूटर जनरल साइंस एंड पंजाब जीके एंड कल्चर रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया। जे तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में जरूर बाय कर लियो। एंड क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, हिमालयन फॉरैसट रिसर्च सेंटर किस शहर में स्थित है? तो शिमला में यह रिसर्च सेंटर स्थित है। क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए, भारत की किस देश नाल सब तो लंबी कौमांतरी सरहद लगती है? जो बॉर्डर होंगे भारत का वह किस देश नाल सब तो ज़्यादा लंबा है? तो बांग्लादेश नाल जो बॉर्डर अपना भारत का वह 4,996 किलोमीटर का है। तो करके बांग्लादेश सब तो ज़्यादा लंबा एक अपना बॉर्डर देश है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, बांग्लादेश और भारत सरहद नाल केड़े केड़े राज लगते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में केड़े राज्य ने, केड़े स्टेट ने जो बांग्लादेश नाल लगते हैं? आप पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, ते असम, त्रिपुरा, यह 6 राज्य ने जो सॉरी 5 राज्य ने यह जो बांग्लादेश नाल अपनी सरहद शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, भूटान अते भारत सरहद नाल किहड़े किहड़े राज्य लगते हैं? तो भूटान अते भारत के जिहड़े स्टेट्स ने वह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो पछमी बंगाल जो भूटान के बॉर्डर नाल शेयर हुंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, पाकिस्तान अते भारत सरहद नाल किहड़े राज्य लगते हैं? तो अमृतसर यानी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, कंबदे मीनार वाली मस्जिद किस भारतीय शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में यह मस्जिद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, कंबदे मीनार वाली मस्जिद डैश तौर पर भी जाना जाता है, इसका नाम मतलब सैकेंड नेम है इसका कंबदे मीनार वाली मस्जिद का, सिद्धी बशीर मस्जिद भी इसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, तवांग दे नेड़े भारत का जमीनी विवाद डैश नाल होया सी, ते सबनों पता न्यूज़ विच भी काफ़ी प्रचलित रही सी, यह चीन नाल होया सी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने यह, काफ़ी हैल्पफुल होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए, तो इस करके सिर्फ वीडियो में देखो ना, अपने नोटबुक उत्ते नाल दी नाल इन्हां नूं राइट डाउन भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, विथकार यानी लैटीट्यूड जिसनों आप कह दें जिहड़ा सिक्किम विच होके लंघता है वह डैश विचों भी लंघता है, मतलब डैश स्टेट विचों भी लंघता है। तो राजस्थान विचों हुंदे होया फिर जिहड़ा यह लैटीट्यूड की लाइन हुंदी है वह सिक्किम तो गुजर के इंडिया नूं क्रॉस करती है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, पद्मान स्वामी मंदिर कितने स्थित है? तो केरल में यह मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, नंजमा समांतर वह सीमा रेखा है जिस विच दो देश शामिल हैं, मतलब USA एंड कनेडा का जिहड़ा समांतर सी रेखा है उसनों आप नंजमा समांतर सीमा रेखा कह दें। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, 17वां समांतर वह सीमा रेखा है जिस विच दो देश शामिल हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम 17वें समांतर सीमा रेखा के अंडर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, किहड़ा देश स्पेन नाल जिब्राल्टर उत्ते टकरा वल वध रहा है? तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम जो स्पेन विच जिब्राल्टर उत्ते टकराव का रीजन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किहड़े देश में स्थित है? तो
ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲਪਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਕਿਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਅਲਪਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਕੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਕਿਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਕਿਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਟਲਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਕਿਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਐਟਲਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਬਿੰਦੂ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ IST ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ GMT ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ 5.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ 82°30' ਪੂਰਬੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ? ਆਸਾਮ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।